गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कर रहे थे और हम वही न्यूमेरिकल कर रहे थे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। अब तक हम 7 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम 8 न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और यकीन मानो ये क्वेश्चन एक बार को एग्जाम में आ जाए तो हमें दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। एक्चुअली ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ देखो कैसे। क्या कह रहा है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स Each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and 6 ohm। ध्यान रखना 9 ohm के 3 resistors है, ध्यान से देखो R1, R2, R3 और तीनों कितने हैं 9 ohm के, 9 ohm, 9 ohm, 9 ohm, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इसको मैं किस तरीके से ऐड करूं, मतलब सीरीज में ऐड करूं, पैरेलल में ऐड करूं, या दो सीरीज में ऐड करूं, एक पैरेलल में ऐड करूं, या एक पैरेलल में ऐड करूं, दो सीरीज में ऐड करूं, किस तरीके से इनको मैं ऐड करूं कि मेरा इक्विवेलेंट कितना आ जाए 13 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल। जब भी हमें, आपको पता होगा कि नहीं, कि जब भी कोई दो रेजिस्टेंस दिए हुए हों, जैसे 4 और 6 दे दिया और हमें 6 से ज़्यादा चाहिए, तो हम उनको सीधा सीधा जोड़ेंगे, ठीक है। और जब भी हमें दो ऐसे दिए हों 4 और 6 और 4 से कम चाहिए, तो हम उनको रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे। और सीधे सीधे किस में जुड़ते हैं, सीरीज में, और रेसिप्रोकल करके किस में जुड़ते हैं, पैरेलल में। तो हमें क्या चाहिए, 13, मतलब एक तो 9 चाहिए होगा, क्यों, 9 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो 9 से बड़ा आएगा। ये 9 से बड़ा है ना, देखो ये 9 से बड़ा है ना, तो मतलब एक हमें सीधा सीधा चाहिए कि जब भी दिए हुए रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट चाहिए हमें वो दिए हुए से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो एक को तो सीधे में जोड़ना ही होगा। सर बाकी दो को कैसे जोड़े, अब देखो यहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं R2 एंड R3, R कनेक्टेड इन सीरीज, अब देखो मुझे कैसे पता चला, देखो मुझे कैसे पता चला, 9 का आधा कर दो कितना आएगा 4.5, मतलब 4.5। अब 9 में मैं 4.5 ऐड करूंगा तो तभी तो 13.5 होगा। अब ये तो 9 है तो हमें आधा करने का एक ही तरीका है कि 1/9 + 1/9, क्योंकि हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, और उसको फिर हम पलट देंगे तभी तो हमारा 4.5 आएगा। मतलब 9 को 4.5 बनाने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब ये तो सिंपल मैथ है, नहीं कि 2 से सीधा सीधा डिवाइड कर दें, तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो मैंने क्या लिखा, आर इक्विवेलेंट R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सीरीज इन लिखो पैरेलल, देखो पैरेलल में ऐड करना है मुझे, ठीक है, R इन पैरेलल। तो देखो R इक्विवेलेंट किसका, 2 और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 1/ R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ R2 प्लस 1/ R3, ठीक है। अब यहां से देखना ध्यान से, तो ये कितना जाएगा 1/9 + 1/9, तो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब 2/9। तो यहां से मेरा क्या आ गया, 1/ R इक्विवेलेंट किसका, 2/3 का, तो वो कितना आ गया 2/9। अब मैं इसको पलट दूं तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 9.2, मतलब 4.5। यहां तक क्लियर है, अब ये 4.5 आ गया। अब इसको मैं इसके साथ सीधा सीधा ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 13.2 आ जाएगा। तो देखो मैं वही कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 एंड R इक्विवेलेंट किसका 2/3 का, R नाउ कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो R टोटल जो होगा वो क्या होगा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R इक्विवेलेंट 2/3 किसका 2/3 का, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 4.5, मतलब 13.5 ओम, यही हमें चाहिए था। तो मैंने कैसे ऐड किए, मैंने 2 को पैरेलल में ऐड किया और जो उसका इक्विवेलेंट आया उसको मैंने सीरीज में ऐड किया, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2R कनेक्टेड इन सीरीज एंड 1R कनेक्टेड ओ 2R कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 1R कनेक्टेड इन सीरीज। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अगला देखो, मुझे कितना चाहिए 6 ओम, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब हमसे ये कह रहा है कि बाकी को कैसे ऐड करें कि 6 ओम आ जाए, तो ध्यान से देखना 6 ओम के लिए क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल तरीके से
जितना आसानी से होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये कितने हो गए मेरे, अब ये तो मेरा 9 ओम ही है, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है, ठीक है। अब मैं इनको किस तरीके से ऐड करूं कि ये कितना आ जाए 6 ओम। तो देखो इसका करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसका करने का तरीका ये है, ये सिंपल सी मैथ है। अगर मैं 2 को सीरीज में ऐड कर दूं तो 9 और 9 18 और 18 और 3 कैल्शियम कितना होगा 18, मतलब ये दोनों 6 की टेबल में आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ठीक है। तो इसका R 2 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा, हमें पता है सीरीज में कैसे जुड़ने हैं, सीधे सीधे, मतलब R2 + R3। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 9 ओम + 9 ओम, मतलब कितना आ गया 18 ओम। क्लियर है यहां तक। अब R 2 3 इक्विवेलेंट एंड R नाउ कनेक्टेड इन किसमें कनेक्ट करूं, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, R टोटल, तो 1/R टोटल, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है कैसे जुड़ते हैं उल्टे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R 1/R1 + 1/R 2 3 का इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1/9 + 1/18, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इस दोनों का कितना रहता है 18। देखो अब मेरा काम हो गया, 9 और 18 का एलसीएम 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 है, इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1 और नीचे कितना आ जाएगा 18 और इधर भी 18। डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 3/18। क्लियर है। अब इसको पलट देंगे तो R टोटल कितना आएगा, R टोटल इक्वल टू कितना आएगा, 18/3, मतलब 6 ओम। तो देख लिया दोनों कितने आ गए। तो आपको कैसे याद रखना है, ध्यान रखना, इसका एक फंडा है, क्यों, अगर 9 की जगह 6 6 दे दे या 8 8 दे दे, कुछ भी दे दे, तो जब भी हमें दिए हुए से, मतलब 9 से दिए हुए रेजिस्टेंस से बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमेशा 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में ऐड करो, और जब भी दिए हुए रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट छोटा चाहिए तो 2 को सीरीज में ऐड करो और 1 को पैरेलल ऐड करो। मतलब ये आप इस तरह के क्वेश्चन का करने का एक तरीका है, रामबाण तरीका। बोर्ड में इसी तरह का आएगा, कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल से लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमसे इस लेवल पे नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि हमारे फंडामेंटल क्लियर नहीं होते और हम चीज़ों को रटते हैं। एक्चुअली ये मैथ है, साइंस है ही नहीं, साइंस तो पहली लाइन में है, उसके बाद तो ये पूरी मैथ है। तो आई बात समझ में, जितने अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, और जितनी मैंने बातें बताई है उसको नोट डाउन कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, इसको नोट डाउन कर लो।